आज हम आपको विटाली का प्रेशर वॉशर बताने वाले, जो इंडस्ट्री में सबसे नामचीन और सबसे पुरानी कंपनी है। दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि विटाली का जो प्रेशर वॉशर है और जो बाकी जो प्रेशर वॉशर है उसमें क्वालिटी में कितना फर्क है, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखो, क्योंकि ये जो कंपनी है ये सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे पहला कंपनी है। तो दोस्तों मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं आपको जल्दी से बॉक्स को खोल के बताता हूँ, देखेंगे अंदर क्या क्या सामान आता है, क्या नहीं आता है, उसको कैसे असेंबल करना है, हर चीज़ मैं आपको सही से डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो में बने रहे। चलो जल्दी से इसको खोलते, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। ओके, इसको टेप ऐसे निकाल देते हैं। ये देखो, ये है कमर्शियल कार वॉशर मशीन। ये देखो खतरनाक हैवी ड्यूटी वाला है। मज़ा आएगा आज, कुछ नया है। ये देखो, ये इनलेट पाइप आपने देखा क्या, ये कितना मोटा दिया है और काफ़ी सॉफ्ट है एकदम। ये देखो वाओ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ सबसे पहले, ये देखो, ये नॉर्मली जो गार्डन पाइप होता है ग्रीन वाला, ये एकदम बारीक पतला उंगली जितना है ना, ये देखो। और ये जो है ये अंगूठे से भी ज़्यादा मोटा है वो, तो देखो इसके अंदर ही चला जाएगा, है ना। कुल मिलाकर आपको ऐसा मोटा वाला पाइप ही इसके लिए कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बारीक वाला पाइप आप किसी तरह जुगाड़ करके लगाओगे तो ये पानी खींच नहीं पाएगा, इतना पानी इसके लिए चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि कमर्शियल मशीन है ना। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता ये वाला जो मशीन है सेल्फ प्राइमिंग भी है, मतलब वाटर टैंक का जो पानी है वो भी खींच सकता है, प्लस खुद के पावर से भी खींच के वो अपना काम कर सकता है। तो मैंने क्या किया, देखो मेरे पास इस तरह का मोटा पाइप लंबा वाला नहीं है, तो मैंने बारीक वाला पाइप लेकर गया हूँ और इस ड्रम में डाल देंगे, है ना। और इस ड्रम से क्या करेंगे, बाद में ये मोटा वाला पाइप से लेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्रम भरा हुआ रहेगा तो मशीन को जितना पानी चाहिए उतना बाद में वो यूज़ कर सकता है। अगर मैं इस बारीक वाला पाइप को मशीन में लगा दूंगा तो बाद में वो पाइप में से पानी ठीक से आ नहीं पाएगा फास्ट, इस वजह से मैंने ये वाला जुगाड़ लगाया। तो आपको अपना कमर्शियल कार वॉशर मशीन वॉशिंग सेंटर में जब आप यूज़ करोगे तो आप अपने हिसाब से इस तरह का सेटिंग कर लेना, कि बड़ा सा ड्रम रख लेना या तो वाटर टैंक बना लेना, हाँ, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, ताकि आप इजीली इसको मशीन को ऐसा इस तरह का कनेक्ट कर सकते। तो मैंने तो इस ड्रम से ही काम चलाने वाला हूँ, तो मैं आपको फुल डिटेल में बताता हूँ, ताकि आपको इस तरह का अगर कमर्शियल कार वॉशर मशीन खरीद रहे हो तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो इसको यूज़ करने में। चलो ये देखो, वो भाई साहब ये जो होस पाइप है खतरनाक हैवी ड्यूटी होस पाइप दिया है। ये नॉर्मल जो रहता है ना घर के यूज़ वाला डोमेस्टिक यूज़ के लिए, वो इस तरह का छोटा मोटा नहीं है, वो ये बहुत ही हैवी ड्यूटी है एकदम, वो हाथ लगने से ही पता चल रहा है। ये अलग साइज़ है, ये जो पाइप है वो काफ़ी मोटा पाइप है, जैसे बाकी जो डोमेस्टिक वाला जो होता है ना वो इसमें क्या होता है, ये जो पाइप होता है वो थोड़ा पतला पाइप होता है, इसमें देखो ये बिल्कुल मोटा और हैवी ड्यूटी पाइप दिया है लोगों ने। ओके, तो काफ़ी लंबा पाइप है, मेरे सर पे लग गया ये। हैवी ड्यूटी पाइप है वो काफ़ी, और काफ़ी लंबा भी है। चलो इसको मैं बाद में कनेक्ट करूँगा, फिलहाल तो स्टेप बाय स्टेप मशीन का जो सामान है वो मैं पहले बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखो, आपने व्हील देखा क्या, पावरफुल, ये भी एकदम हैवी वाला है एकदम। चलो एक एक करके बाहर निकलता हूँ। ये देखो बहुत सारा चीज़ें है इसमें दिया हुआ है, इसको ये सब चीज़ें जो ना असेंबल करेंगे हम मशीन को, एसेसरीज जो दिया हुआ है इसका। अब इसको जो ना बाहर निकलने के लिए दो आदमी चाहिए, क्योंकि अकेले से ये बाहर नहीं निकल पाऊंगा मैं, बहुत ज़्यादा वजन रहता है। आ जाओ बिट्टू वो साइड में आ जाओ, इसको उठा के बॉक्स से बाहर रखेंगे, ठीक है, पकड़ो। अरे बाप रे, मशीन बहुत ज़्यादा वजन है। ये देखो, ये जो कमर्शियल जो कार वॉशर है, देखो ये 4 HP का है वो। ये देखो एक मिनट में 12 लीटर पानी लगता है इसमें। ये देखो इसमें डिटेल हर चीज़ आपको दिया हुआ है। देखो ये देखो मशीन के यहाँ पर अंदर साइड में गन दिया हुआ है। ये देखो ये काफ़ी लंबा गन है और साथ में एक्सटेंशन रॉड भी दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर क्विक कनेक्टर सिस्टम दिया था कि गन को ऐसे पाइप से कनेक्ट डिसकनेक्ट बहुत ही आसानी से हो जाए। वाओ, ये देखो यहाँ पर ऐसा इस तरह का कनेक्टिंग सिस्टम दिया हुआ है। ये देखो गन आप ऐसा इजीली लंबा कर सकते हो। ये देखो वाओ, ऐसा लंबा हो गया। इसके आगे आपको जो भी अटैचमेंट आप उसको अपने हिसाब से उसको कनेक्ट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर मैं आपको बाकी चीज़ें लगा के दिखाने वाला हूँ। बस ये देखो, ये गन इस तरह से रहेगा। ये भी काफ़ी हैवी ड्यूटी गन है, काफ़ी लंबा गन है और एकदम हैवी ड्यूटी वाला है। इसमें आप हर तरह का कनेक्टर वगैरह लगा सकते हो, गन के आगे 90 डिग्री एंगल बोलो, बाद में अंडर चेसिस क्लीनर बोलो, बाद में अलग अलग तरह का जो स्प्रे नोजल होता है वो बोलो, तो मल्टीपल चीज़ आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, फोम कैनन बोलो, सब कुछ इसमें कनेक्ट हो जाएगा। चलो अब इसको मैं अभी इसको ऐसा कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो, इसको असेंबल करना बहुत ही आसान है। ये देखो, इसको बस ऐसे
ये जो लॉक सिस्टम आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक लॉक है, यहाँ पर एक लॉक है, लॉक है, तो दोनों यहाँ पर इस छेदा में ऐसा कनेक्ट होना चाहिए। तो इसको आप ऐसा जब अंदर डालोगे तो संभाल के अपना हाथ को संभाल के डालना, नहीं तो उसको लग सकता है आपका हाथ में, है ना। तो इस टिप को दोनों को ऐसे दबाना, ये देखो दोनों जब दब गया ऐसा एक साथ में इसको ऐसा प्रेस करना, देखो ये कट करके आवाज आया, ये लॉकिंग सिस्टम अंदर चला गया, अभी ये लॉक हो गया है। चलो अब इस मशीन का जो है ना व्हील लगाएंगे हम, इसको बस ऐसे टेढ़ा करके इसको फुला देना है। आप मैं तो शॉर्टकट में कर रहा हूँ, आप थोड़ा संभाल के करना ताकि आपका जो ये जो मशीन का जो पेंट वगैरह वो डैमेज ना हो जाए, है ना। चलो अब इसको हम खोलेंगे अंदर से, जो भी चीज़ें निकालेंगे बाहर। ये देखो यहाँ पर अरे थैली फटा हुआ है, निकल गया, गिर गया सब, कोई बात नहीं, रहने दो। ओके इसको ये देखो यहाँ पर भी सेम ऐसा लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है, इसको हम ऐसा पुश करेंगे इसको, ये देखो ये लॉक हो गया, ठीक है। तो अपने को ये अभी ऐसा लगा देना है, हाँ ये देखो ये लग चुका है। और उसके बाद आपको एक वाइसर देकर के ऐसा इसको अब ऐसा टाइट कर लेना है, ये देखो परफेक्ट। इसको आप अपनी से पाना से अच्छे से टाइट कर लेना। चलो अब इसको दूसरा साइड में हम ऐसा करेंगे सेम, ये देखो ये फिक्स हो गया। सेम ऐसे एक वाइसर डालेंगे, बाद में इस नट को टाइट कर लेंगे, ये यस। ये देखो ये अलग अलग तरह का नोजल दिया हुआ, मैं आपको चारों जो अलग अलग तरह का जो नोजल है मैं आपको ये इसको यूज़ करके बताने वाला मशीन में कि किस तरह का, किसमें अलग अलग तरह का प्रेशर इसमें आता है। ये देखो अब ये जो अगर इसको लेके जाने वाली बात बोलोगे, देखो ऐसा उठा के आप कहीं भी ऐसा इजीली लेके जाओ, मतलब व्हील भी ज़बरदस्त दिया हुआ है, आपको अकेला लेके जाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, मस्त एकदम। ये देखो आप ऐसा अकेला एक हाथ से ऐसा खींच के लेके जा सकते हो। वैसे मशीन वज़न बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मशीन जो है वो व्हील बहुत ही हैवी ड्यूटी दिया हुआ है। चलो दोस्तों अभी मैं आपको होस पाइप और ये जो इनलेट पाइप दोनों को मैं आपको अभी कनेक्ट करने का तरीका बताता हूँ। देखो इसमें अजीबोगरीब देखो फिल्टर दिया हुआ है, ये बहुत ही फिल्टर बहुत ही कीमती चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर ऐसा नॉर्मली वाटर टैंक के अंदर अगर आप कनेक्ट ऐसा कर रहे हो तो आपको इस तरह का फिल्टर इसमें कनेक्ट रहना चाहिए ताकि मशीन के अंदर कोई कचरा ना जाए, क्योंकि मशीन के अंदर कचरा नहीं जाएगा तो ऐसे में मशीन लॉन्ग टाइम अच्छे से चलेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आपको ये वाला जो फिल्टर आपको यूज़ करना चाहिए। तो देखो ये इस तरह का फिक्स हो गया है, अगर अपना जो वाटर टैंक वगैरह होता है यहाँ पर देखो ये दो दिया है ऐसा नट बोल्ट सिस्टम, आप उसको अपने टैंकी में ऐसा उसको फिक्स कर सकते हो। तो आपको दूसरा जो साइड है इसको आपको ऐसा देखो ये पाइप के अंदर ऐसा डाल लेना है, बाद में इसको ऐसा जो वाटर टैंक वगैरह इसके अंदर ऐसा डाल लेना है। ये देखो इसको आपको ऐसा प्लास्टिक है तो पानी में तैर रहा है ना, तो आपको इसलिए नॉर्मली उसको आप किसी भी तरह का कुछ भी फिक्स करके कुछ वेट डाल के इसको आप ऐसा फिक्स करके ड्रम के अंदर ऐसा डाल सकते हो। तो उसका मैं कुछ इलाज करता हूँ, बाद में करेंगे इसको, ठीक है। चलो ये मुझे मशीन है, मैं थोड़ा नज़दीक लेके आता हूँ। ये देखो ये दूसरा साइड जो आपको इजीली ऐसा कनेक्ट हो जाएगा, तो इसके लिए आपको कुछ दिया हुआ रिंग सिस्टम कहाँ है, या देखो ये क्लैंप दिया हुआ, तो आपको जो क्लैंप है आपको ये डाल के ऐसा फिक्स कर लेना है, देखो ऐसा, बाद में इसको आप ऐसा टाइट कर लेना है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर स्टार सिस्टम दिया हुआ, इसमें स्टार से आप इजीली ऐसा टाइट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर नॉर्मली माइनस रहता है या तो प्लस रहता है, ये प्लस सिस्टम है, हो गया इससे। ये देखो ये फिक्स कर दिया हमने, ये हो गया। अभी इसका जो आउटपुट सिस्टम है इसको हम ऐसा होस पाइप लगाएंगे। तो ये देखो अब इसको हम होस पाइप को कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये टाइप दिया हुआ है, ये देखो ऐसा वाला, और दूसरा साइड में ऐसा दिया, तो आपको पाइप के दो साइड में दो अलग अलग तरह का मिलेंगे। तो साथ में आपको एक ऐसा वाला कनेक्टर भी दिया है, तो आपको इसको ऐसा इसको फिक्स कर लेना है, इसको प्रॉपर तरीके से टाइट कर लेना, नहीं तो यहाँ से लीकेज हो सकता है। ये देखो ये ऐसा, अगर आपको टेफ्लॉन टेप वगैरह मार के अगर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो फिर पूरी तरह से सील पैक हो जाएंगे। यस इसको ऐसा लगाएंगे, ये देखो दो पाने से आपको इस तरह का फिक्स कर लेना है। बाद में देखो मशीन में कनेक्ट डिसकनेक्ट करने के लिए बहुत ही आसानी है, जैसे इसको हमने सामने वाला पार्ट ऐसा लगा लिया, इसको आप ऐसा ऐसे ही पुश करके ऐसा कनेक्ट कर लेना है। ये देखो ये कट करके आवाज आई है, प्रॉपर लॉक हो गया है ना। और जो दूसरा साइड है हमारा जो गन है इसमें लगा होगा, देखो ये ऐसे ही सेम, देखो इसको ऐसा इस पीछे ऐसा पुश करके ऐसा लगा लेना, ये इजीली लॉक हो गया। ये देखो ये अब ये रेडी है। तो हमको ये गन के आगे क्या लगाना है, नॉर्मली जैसे कि ये वाला है, ये देखो ये आपको ऐसा लगा लेना है। ये देखो परफेक्ट, ये रेडी हो गया। अब हम इसको ऐसा स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों ये देखो ये है एनालॉग मीटर, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, इससे पता चलेगा कि आपके यहाँ से आउटपुट कितना प्रेशर निकल रहा है बोल के। तो यहाँ पर ये मीटर लगाना ज़रूरी है। ये देखो यस पूरा टाइट हो गया, फिक्स हो गया। देखो अब इसको हम इस होल्डर को लगाएंगे जिसमें हम इजीली गन वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पर होल्ड करके। ये देखो ये आप ऐसा टाइट कर लेना। दोस्तों अब यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बाकी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो
यहाँ पर आपको दिख रहा है दो कनेक्टर है, ये ट्रांसपोर्ट पे लोग रेड वाला देते हैं और आपको हमेशा यूज़ करना चाहिए वाला। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है हर चीज़ें। ये देखो, लोग सोचते हैं कि भाई ये दो क्यों दिया हुआ रहता है। देखो, ये हर तरह का कमर्शियल मशीन में देता है ज़्यादातर, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये देखो, इसको हम खोल के मैं आपको बताता हूँ डिटेल में ये क्या चीज़ है। देखो, ये खुद दिख रहा है, ये दो दिया हुआ है, तो इसमें से जो है एयर अंदर जाता है ये ढक्कन से, और ये वाला ना पूरा प्रॉपर पैक रहता है। तो कंपनी वाले ये दो क्यों देते हैं, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं मशीन पता नहीं कैसा उल्टा सीधा कैसा होगा क्या नहीं, इस वजह से ये पैक करके दे देता है। लेकिन आपको यूज़ कौन सा करना है बाद में जो चेंज करके, ये जो अलग से जो पैकिंग में देता है ये वाला, आपको ये वाला यूज़ करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, नॉर्मली अंदर जो है ना हवा अंदर बाहर होते रहता है, इस वजह से ये वाला यूज़ करना रहता है। अगर आप मशीन कहीं पर लेके जा रहे हो ट्रांसपोर्ट करके दूर किसी गाड़ी वाड़ी में बिठा के, तो आपको ये वाला फिक्स वाला लगा देना था कि वो छेदे से जो ना वो वायल निकल ना जाए, इस वजह से ये वाला दिया रहता है आपको। ये एक्चुअली ये वाला कुछ काम का नहीं है अभी फिलहाल। चलो, ये टाइट हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग पूछते कि भाई इसका ऑयल कब चेंज करना है। देखो, यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। देखो, फर्स्ट टाइम इसको क्या करना है, नॉर्मली आपको पहले बात तो ये इसको चेंज कर देना है। देखो, ये ढक्कन है, ऑयल का ढक्कन है, आपको चेंज कर देना है, है ना। उसके बाद आपको ध्यान रखना कि मिनिमम 30 घंटे चलने के बाद इसको आपको ये जो अंदर का जो ऑयल है आपको वो चेंज कर देना है 30 घंटे चलने के बाद। ये तो ऑयल चेंज करने वाला यहाँ पर चैम्बर दिया हुआ, देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो, ये इस नट को खोलना है, बाद में आपको यही से बाद में ऑयल डालना है। तो इस नट को खोल के ऑयल बाहर निकल जाएगा, उसको आपको यहाँ से ऑयल आपको डाल देना है। तो दोस्तों, पहला बार 30 घंटे में टोटल 30 घंटा मशीन चल गया, तो आपको उसको ऑयल चेंज कर देना है। और सेकेंड टाइम आप जब करोगे, यहाँ पर लिखा है देखो 50 घंटे, नॉर्मली 50 घंटे मशीन चलने के बाद आपको इसका ऑयल चेंज कर देना है सेकेंड टाइम। और उसके बाद आपको एवरी 100 आवर्स, मतलब 100 घंटे चल गया तो आपको इसका ऑयल चेंज करना है। सच को तो पता नहीं, ये 100 घंटे तो सच को तो अगर वो तो बहुत जल्दी जल्दी पूरा हो जाएंगे ऐसा इसमें लिखा है, पर सच को तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना जल्दी आपको ऑयल बार बार आप चेंज कर पाओगे, है ना। हम तो ये इस तरह का मशीन में एक बार ऑयल डालते 6 महीना दबा के चलाते, बाकी आपका मर्जी। अगर आप कंपनी के हिसाब से अगर जाना चाहोगे तो देखो प्रॉपर जो नियम लिखा मैं आपको वो बता रहा हूँ, है ना। 30 घंटे में और फिर 50 घंटे में, फिर आपको रेगुलरली है ना 100 घंटे में आपको ऑयल चेंज करते रहना है, बाकी आपका मर्जी। मैं आपको जो नियम है आपको मैंने बता दिया हूँ। हाँ, पर सर को तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो नॉर्मली हमेशा वो महीना 2 महीना 3 महीना एक बार चेंज करता हूँ मशीन, जबकि डेली का समझो कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मशीन डेली का चलता है ना। तो भाई हर मतलब आप जरा सोचो फिर कितना जल्दी जल्दी जो ना वो ऑयल चेंज करना पड़ेगा, 15 दिन 20 दिन में ऑयल चेंज करना पड़ेगा, जबकि ऑयल ख़त्म ही नहीं हो जाएगा, है ना। तो इतना जल्दी हम तो ऑयल चेंज नहीं कर पाएंगे, बाकी आपका मर्जी, जो नियम है आपको मैंने बता दिया हूँ। तो दोस्तों, ये देखो, ये कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये देखो रबर वगैरह दिया है, तो मैंने तो ये कनेक्ट नहीं किया है ना। तो अपने हिसाब से देखना, जहाँ पर ये रबर वगैरह लगेगा, अगर कहीं ये जॉइंट में लगता है कहीं पर भी लगता है, तो आप अपने हिसाब से इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो एक्स्ट्रा रबर है, मैं आपको इसको भी साइड में रखता हूँ। दोस्तों, ये देखो, मैंने मशीन को पूरी तरह से असेंबल कर लिया है। अगर आपको कैसे किया, अगर वीडियो देख के डिटेल अगर समझ में ना आए, ये देखो मशीन के साथ तो मैनुअल दिया रहता है, आप इसको पढ़ के आप अपने हिसाब से प्रॉपर इसको ऐसा असेंबल कर सकते हो। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा जो बटाली जो कंपनी है, ये काफ़ी इंडिया का काफ़ी पुराना कंपनी है, कार वॉशर से रिलेटेड कई सारा अलग अलग प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं। बहुत सारा प्रोडक्ट है इन बटाली कंपनी के अंदर, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है इनका, है ना, कार वॉशर से रिलेटेड। तो आपको इस तरह का जो भी जो मशीन है, इसका जो पार्ट्स है वो आपको जेन्युइन मिल जाता है, आपको ओरिजिनल पैकिंग के साथ आपको इसका पार्ट्स जो है मशीन का जो पार्ट्स आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली आपने एक बार मशीन खरीद लिया, फिर बाद में कोई अगर मशीन खराबी आ गया, कुछ अगर पार्ट्स खराब आ गया, तो आपको मार्केट में कहीं मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं, आपको बिल्कुल ओरिजिनल पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये देखो, ये जो बटालिका कंपनी का मशीन है, और भी अलग अलग मशीनें भी आते हैं जो इस तरह का ऑरेंज कलर का दिखता है दिखने में, पर सच का तो उसमें कई सारा डिफरेंट है। जैसे कि देखो, ये जो पाइप है ना, ये होता है आपको काफ़ी मोटा मिलेगा, काफ़ी हेवी ड्यूटी पाइप मिलेगा, प्लस गन जो है वो भी आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, हेवी ड्यूटी है ना गन। और मैं आपको इधर कुछ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर इस साइड से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पर जो स्विच है, ये देखो, यहाँ पर ये मैनुअल है, ये स्टॉप है, ये नीचे का घुमा दोगे तो ये ऑटोमेटिक है, ये जो ना ये हेवी ड्यूटी बिल्कुल एकदम ऑन ऑफ स्विच यहाँ पर दिया हुआ, ये लॉन्ग टाइम चलने वाला चीज़ है। जैसे बाकी जो मशीन होता है, देखो इस तरह का, इसमें ये रीसेट बटन है, वो ज़्यादातर मशीन में होता नहीं है। देखो, ये जो प्रोटेक्टर दिया है लोगों ने, जैसे मशीन में अगर कुछ ओवरलोड हो गया, कुछ अगर लाइट में कुछ इशू हो गया, तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली मशीन को स्टॉप कर देंगे। और यहाँ पर देखो, ये एम्पियर मीटर यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो पावर का डिटेल। और देखो, ये है ये MCB, ये देखो, अगर कुछ अगर इशू हो जाता है कुछ पावर में, तो ये MCB भी डाउन हो जाएगा। कुल मिला के मशीन का जो कॉइल वगैरह है ना, वो जलने का चांसेस बहुत ही कम रहता है इस तरह का, अगर नॉर्मली MCB वगैरह इसमें रहता है तो। दोस्तों, हर ऑरेंज कलर का मशीन बटालिका नहीं होता, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो नॉर्मली आपको पता चलना डिफरेंस, देखो ये जो व्हील है ये भी काफ़ी हेवी ड्यूटी है, नॉर्मली पाइप हेवी ड्यूटी है, प्लस ये जो मशीन वगैरह, ये स्विच वगैरह आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो है ना ये काफ़ी हेवी ड्यूटी है। बाकी ये जो बॉक्स आपको दिखा, ये देखो नॉर्मली बाकी कंपनी वाले क्या होता है, ऑरेंज कलर का दिख जाता है, 4HP का दिख जाता है, पर क्या देखो ये प्लास्टिक का, ये नॉर्मली ये बिल्कुल मेटल का दिया, बिल्कुल हेवी ड्यूटी ये सब दिया हुआ है। तो दोस्तों, बहुत हो गया इन्फॉर्मेशन, अभी मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकली आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस मशीन में कितना है दम। दोस्तों, हमने पानी का कनेक्शन कर दिया है, इनलेट पाइप का, ये देखो यहाँ पर पावर हमने लगा दिया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो पावर है ना थोड़ा सा दूर रखना है, ताकि पानी में भीग ना जाए। और उसके बाद आपको ऐसा गन को दबा के रखना है, उसके बाद आपको स्विच यहाँ से चालू कर देना है, ये चालू कर दिया पीछे से, आपने तो स्विच देख ही लिया था ना।
तो अभी पानी ठीक से निकल जाने दो। जब पानी क्लियर आ जाए उसके बाद आपको इस तरह का नोजल लगाना चाहिए। यस, ये देखो, तो इसमें देखो कुछ ऑप्शन दिया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, यहाँ पर ये दिया है ऑटो, है ना, और स्टॉप बीच में दिया है, ऊपर दिया है मैनुअल। तो ऑटो और मैनुअल में क्या डिफरेंस है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। देखो, जैसे कि नॉर्मली अगर मैंने अभी ये ऑटोमेटिक में क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने ऐसे गन दबाया, ये देखो ये मशीन चल रहा है, ये देखो गन मैंने छोड़ा तो क्या हो गया, मशीन बंद हो गया, पूरी तरह से बंद हो गया। लेकिन ये जो मैनुअल में क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ये स्टॉप है ना, मैनुअल में क्या होगा, ये देखो मैनुअल में जो ना रेगुलर मोटर चलते रहेगा, लेकिन जैसे हम इसको गन को दबाएंगे ये पानी आएगा। ये देखो गन को छोड़ा मैंने तो पानी बंद हो गया, लेकिन जो मोटर है वो रेगुलरली चलते रहेगा। तो आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से, आपको जैसा ठीक लगा आप उसी हिसाब से अपने हिसाब से मशीन को आप यूज़ कर सकते हो। पर मैं तो बोलूँगा नॉर्मली ये जो ऑटो सिस्टम है तो मेरे को ज़्यादा मज़ेदार लगा, बस क्योंकि नॉर्मली उसमें लाइट जो बिजली का खपत है ना वो कम होगा। क्यों मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले इसका प्रेशर चेक कर लेते हैं। देखो ये ज़बरदस्त, ओके, मशीन पूरी तरह से कनेक्ट हो गया, हर चीज़ परफेक्ट है। तो मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ। देखो जैसे अभी ऑटोमेटिक में क्या हो रहा है, देखो जैसे ये देखो मैनुअल में क्या हो रहा है, मशीन चलते जा रहा है, लाइट का बिजली बिजली बिल आपका बढ़ जाएगा। अभी इसको ऑफ कर देते और उसको क्या, ये जैसे ऑटोमेटिक में रखा तो क्या हो गया, अभी मोटर बंद है, पूरी तरह से मोटर बंद है, आपको बिजली बिल नहीं आएगा। जैसे हमने इसको दबा दिया, ये मशीन बंद, लाइट बिजली बिल आना बंद। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आपको कैसा सूटेबल है। कहीं कहीं अगर ऐसा होता है ना कि भाई मशीन बार बार बंद चलो नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी कई कई जगह पे ना वोल्टेज का प्रॉब्लम रहता है। तो ऐसे में आपको मशीन रेगुलर अगर चलते रहेगा तो उसमें ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, क्योंकि नॉर्मली बंद चलो करने के लिए वोल्टेज आपका सही रहना चाहिए, नहीं तो मोटर बार बार ऐसा उसका लोड नहीं ले पाएगा। तो इसलिए आपको अगर वोल्टेज कम है तो आपको रेगुलर मोटर चलते रहेगा तो अच्छा रहता है। अगर आपको वोल्टेज प्रॉपर है तो आपको इसे ऑटो मोड पर रखना चाहिए और मशीन बार बार ऑन ऑफ होने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों अब ये देखो, फाइनल एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको चार नोजल दिख रहा है, ये देखो मैं एक लाइन से शुरू करता हूँ। वाइट वाला लेंगे सबसे पहले, ये देखो ये वाइट, इसका पॉइंट देखें कैसा किस तरह से स्प्रे करता है। देखो ये आपको दिख रहा है, ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रे कर रहा है वो आगे से, है ना। और उसके बाद ये ग्रीन देखें कैसा स्प्रे कर रहा है, ये थोड़ा सा मीडियम तरह का स्प्रे कर रहा है। तो कुल मिलाकर अलग अलग जो नोजल दिया हुआ है इसमें, ये अलग अलग तरह का स्प्रे करने के लिए है। और ये वाला देखेंगे कैसा आ रहा है, अच्छा ये थोड़ा सा और थोड़ा सा कम है ना। तो कुल मिलाकर पहला वाला बहुत ज़्यादा चौड़ा था और ये थोड़ा सा मीडियम है, और ये वाला और थोड़ा सा कम है। और मुझे लगता है जो रेड वाला होगा वो बिल्कुल एकदम पॉइंटेड होगा, देखना ये अब देखेंगे रेड वाला में पॉइंटेड होगा शायद। ये देखो मैंने बोला ना बिल्कुल खतरनाक प्रेशर पॉइंटेड। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा भाई, जो रेड वाला है खतरनाक पावरफुल होता है, आप इससे किसी भी कार को किसी इंसान के बॉडी में, किसी जानवर के बॉडी में कभी भी डायरेक्टली स्प्रे मत करो भाई। मैं तो बोलूँगा रेड वाला यूज़ ही मत करो तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर है इस मशीन में, 4 HP का आप समझ रहे हो, खतरनाक प्रेशर है। दोस्तों ये देखो ये जो पॉइंट वाला है मैं आपको दिखाता हूँ इससे कितना पावरफुल है, देखना कैसा ईंट को कट कर देगा, देखना ये सीमेंट का ईंट है, बहुत ही स्ट्रांग ईंट है वो। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो एक सेकंड में ईंट को कट कर दिया, इतना खतरनाक प्रेशर, देखो सीमेंट का ईंट आर पार कर दिया, पूरा एक रोल ऐसा हो गया और उधर चारों ओर से कट हो गया। देखो इसको किस तरह का देखना फेंक देता है पानी का प्रेशर से, देखना ये देखो ज़रा आप समझ सकते हो, ये ईंट को इस तरह का मतलब कट कर देना चारों ओर से, मतलब ये नॉर्मल प्रेशर से ऐसा नहीं होता। देखो चारों ओर से पूरा चमड़ी इसको उखड़ गया, जहाँ जहाँ प्रेशर लगा, देखो यहाँ पर थोड़ा कम लगा, यहाँ से पूरा आर पार हो गया, देखो यहाँ पर, ये देखो जहाँ मतलब प्रेशर लगा वहाँ से बिल्कुल एकदम उखड़ गया, देखो यहाँ से कट हो गया। तो इस तरह का खतरनाक प्रेशर है, आप अगर एक जगह ऐसा फिक्स करके ऐसा प्रेशर मारोगे ना तो नॉर्मली ईट आर पार हो जाएगा, इतना खतरनाक प्रेशर है इसमें। आप समझ सकते हो कि 180 बार है इसमें, है ना, नॉर्मली हाईएस्ट जो 180 बार इसमें काम करता है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है इसमें, आपको उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो मैं नॉर्मली मैं काम करूँगा जो मीडियम रेंज का है ये ग्रीन वाला, मैं ये ग्रीन वाला रेगुलर यूज़ करके आपको मैं दिखाने वाला हूँ। बाकी तो आपने हर नोजल का आपने देख लिया है, ये मीडियम रेंज का रहेगा ग्रीन वाला, ये परफेक्ट, हाँ अपने लिए ठीक रहेगा ग्रीन वाला। ये देखो जरा तूफान है यार, खतरनाक प्रेशर, तो नॉर्मली मैं काम करता हूँ फुल कार को अच्छे से पानी मार लेता हूँ, और प्रेशर इतना ज़्यादा है कि मुझे पता है 2 मिनट के अंदर पूरा कार को ऐसे अच्छे से पानी मार के हो जाएगा, इतना फास्ट है प्रेशर।
वाली साइड कंप्लीट हो गया। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं इसको गन को ऐसा प्रेस करके मैं खुद से चल भी ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो गन का जो तो प्रेशर है मेरे को पीछे तरफ धकेल रहा है, ऐसा है उसमें थोड़ा सा फोर्स लगा के ऐसा करना पड़ रहा है। मतलब आप अगर गन को हाथ में लोगे ना तो ये आप फील कर सकते हो कि ये कितना प्रेशर से ऐसा मतलब पीछे तरफ पुश कर रहा है मुझे। तो इससे देखा आपने, मैंने मेरा पैर देखा कैसा है, देखो ऐसा मेरा पैर ऐसा पोज ऐसा क्यों मारा मैंने, क्योंकि वो ऐसा पुश करता है इसमें, ऐसा लग रहा है मशीन गन पकड़ा होगा मैंने। खतरनाक प्रेशर। दोस्तों और ये जो पाइप है ना वो भी काफ़ी लंबा है, 10 मीटर पाइप दिया है लोगों ने, तो ये एक अच्छा काम किया है मस्त। तो ऐसा कार के चारों ओर आप इजीली ऐसा वॉश कर सकते हो, इतना लंबा पाइप दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाएगा। क्योंकि भाई कमर्शियल मशीन तो है ही है तो आपको लंबा पाइप देना ही चाहिए, है ना, अगर छोटा पाइप देगा तो फिर क्या फ़ायदा। मतलब जहाँ भी प्रेशर मारो पानी मतलब कीचड़ जो ना एकदम पल भर में गायब, कचरा बिल्कुल एकदम फटक से गायब हो जाता है। दोस्तों मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, मशीन जो है ना बिल्कुल एकदम साइलेंट मोटर है, मोटर चालू रहता है तो पता भी नहीं चलता है, लेकिन इसके आगे से जो पानी निकलता है इतना फोर्स से निकलता है कि उसी का शोर है, उसी का आवाज़ है, लेकिन नॉर्मली मशीन का मोटर का बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं, एकदम साइलेंट मोटर है। तो दोस्तों कार को तो अच्छे से पानी मार के हो गया, अब हम इसको फोम स्प्रे करेंगे, देखेंगे इस मशीन के साथ फोम कैसा परफॉर्म करता है। तो दोस्तों ये देखो आज हम कजार का जो फोम करने हैं वो यूज़ करने वाले, बाकी आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं आपको यही कंपनी का फोम करने यूज़ करना है, या तो आपको मेरा जो NR कार वॉश शैम्पू आपको यही यूज़ करना है, ऐसा जरूरी नहीं है, आप किसी भी कंपनी का शैम्पू ऐसा यूज़ कर सकते हो, अगर आप मेरा यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। तो बाकी आपको 100 ml डालना है शैम्पू अच्छे से फोम आने के लिए, बाकी वैसे तो आप 50 ml से भी काम चला सकते हो। चलो बाकी मेरा फेवरेट शैम्पू आजकल, क्योंकि भाई मेरा कंपनी का है ना, मैं तो भाई फेवरेट बोलूँगा ही बोलूँगा, है ना, बाकी आपको अगर सच में लेना है तो अच्छा है शैम्पू, आप ले सकते हो। तो इसको चलो बाकी का 100 ml शैम्पू डाल के बाकी का पूरा फुल ऐसा पानी डाल देना है। अच्छा दोस्तों अगर आपको अगर मेरा ये शैम्पू खरीदना है, NR कार वॉश शैम्पू अगर खरीदना है तो मैं नंबर दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के शैम्पू वगैरह खरीद सकते हो। बाकी ये जो मशीन है इसका भी जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में कंपनी का डिटेल दे दूंगा, और कौन सा शहर में कौन सा स्टेट में इनका जो डीलरशिप है उनका भी डिटेल मैं दे दूंगा। आप देखो डिस्प्ले पे फ्लैश हो रहा होगा शायद, है ना, तो आप वहाँ से जा करके आप नंबर वगैरह जो है उसको आप सीधा फ़ोन करके आप इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कंपनी से खरीद सकते हो इस मशीन को। देखेंगे फोम कैसा आ रहा है अंदर से, फिर से एक्साइटमेंट। ये देखो गाढ़ा 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 शैम्पू भाई साहब, ये देखो तूफान है यार, तूफान, मज़ा आ गया, आपको दिख रहा है, ये देखो वाओ, ओहो, ये देखो कितना गाढ़ा शैम्पू है, ज़बरदस्त एकदम गाढ़ा शैम्पू, एकदम प्योर क्वालिटी गाढ़ा शैम्पू, ज़रा देखो इसको मैं थोड़ा सा और ये कर लेता हूँ, लाइट थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ओके अब देखेंगे कैसा आ रहा है। वाओ ओ हो हो हो, एकदम गाढ़ा गाढ़ा शैम्पू, देखो ज़रा एकदम मोटा मोटा शैम्पू, मज़ा आ गया। मशीन का परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त है ना, तो ऐसे में ज़्यादा अच्छा निकलता ही है। ये देखो वाओ, देखो ज़रा आपको दिख रहा है कैसे गाढ़ा गाढ़ा शैम्पू आ रहा है, मज़ा आ गया, एकदम प्रोफेशनल है एकदम, आपको शैम्पू में कोई कमी नहीं आएगा। देखो स्लो मोशन में आपको दिखाता हूँ, देखो वाओ मज़ा आ गया, मतलब इससे बेटर शैम्पू फिर हो नहीं सकता, इतना ज़बरदस्त शैम्पू आ रहा है, देखो जरा वाओ, देखो जरा जहाँ पर मार रहा हूँ वहाँ पर बिल्कुल वाइट वाइट एकदम पैक हो जाता है, और क्या चाहिए आपको, देखो देखो जरा, पता नहीं आपको कैसा कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा शैम्पू, देखो कितना स्लो मोशन में गिर रहा है, देखो ये देखो ज़रा, मतलब मज़ा आ गया यार, देखो ज़रा जहाँ मारे वही बिल्कुल एकदम पैक ढक जाता है एकदम शैम्पू से,
वाह मज़ा आ गया। मशीन का प्रेशर भी ज़बरदस्त है, जितना मशीन में प्रेशर ज़्यादा रहेगा ना उतना प्रॉपर अच्छे तरीके मिक्सिंग करके आ जाता है, देखो उतना अच्छा फोमिंग निकलता है देखो। और शैम्पू का तो भाई क्या ही कहना, अपना शैम्पू है भाई, ज़बरदस्त होना ही है। मज़ा आ गया। चलो बातें बहुत कर लिया, मैं अभी एक काम करता हूँ, जल्दी से इसको अभी अच्छे से कपड़ा मार लेते हैं। क्या धूप में कार वॉश कर रहा हूँ ना, तो शैम्पू देखो सूख जाता है वो जल्दी से। तो आपको कार का बॉडी में जो शैम्पू सूखने से पहले आपको अच्छे से कपड़ा मार लेना चाहिए। दोस्तों कार को अच्छे से कपड़ा मार दिया, अभी फटाक से हम क्या करेंगे, अच्छे से पानी मार लेंगे और फिर बाद में हमारा कार देखना एकदम चकाचक हो जाएगा। मतलब आपने देखा क्या, मशीन में अगर दम हो, अगर प्रेशर ज़्यादा हो तो क्या होता है, काम एकदम फटाफट हो जाता है। तो आपका अगर वॉशिंग सेंटर वगैरह है, आप अगर इस तरह का हेवी ड्यूटी मशीन लोगे तो उससे क्या होता है भाई, आपका काम जल्दी हो जाएगा। छोटे मोटे मशीन का प्रेशर कम रहेगा तो उससे आपका काम भी देरी से होता है, इससे आपका क्या है कार वॉशिंग सेंटर में क्या होता है, गाड़ी का लाइन लग जाता है क्योंकि काम स्लो होता है ना, इस वजह से उसमें क्या देखते देखते काम कम्प्लीट हो जाता है। भाई प्रेशर नहीं है, तूफान है वो। तो दोस्तों ये देखो 2 मिनट में पानी मार के भी हो गया। तो दोस्तों ये देखो इस मशीन का जो है ना, नॉर्मली खाली ऑरेंज होने से आपको पता है बटाली तो होता नहीं है ना, तो आपको ये जो नॉर्मल जो सिंपल जो ऑरेंज वाला है और ये जो नॉर्मली बटाली का कंपनी का, इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको अभी डिटेल दिखाने वाला हूँ। ये देखो ये है बटाली का मशीन, ये देखो आपको दिख रहा है, और ये है नॉर्मल मशीन, देखो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, हर जो ऑरेंज मशीन था वो बटाली का नहीं होता है। ये देखो ये जो बॉक्स है वो प्रॉपर मेटल का बॉक्स है, और ये हैवी ड्यूटी ऑन ऑफ स्विच है, और ये जो ये रिस्टार्ट बटन है, और ये जो है ना ये एम्पेयर बताएगा आपको इसमें। बाकी ये देखो अंदर का क्वालिटी देखो, आपको बिल्कुल एकदम अच्छा क्वालिटी का मिलेगा। ये देखो इसके अंदर एमसीयू वगैरह हर चीज़ का, हर तरह का जो कंट्रोल इसमें दिया हुआ है, ये देखो नॉर्मली आपको तो दिख ही रहा है बिल्कुल एकदम क्वालिटी में आपको फ़र्क दिया जाएगा। बाकी देखो दूसरा जो लोकल वाला होता है, देखो इसमें ये प्लास्टिक का बॉडी है इसमें, ये देखो ये प्लास्टिक वाला बॉडी है, देखो नॉर्मल स्विच है इसमें, और जो हमारा इस मशीन का जो है बटाली का मशीन का जो स्विच है वो आपको हैवी ड्यूटी तो दिख ही रहा होगा है ना, डिफरेंस तो दिख ही रहा होगा। और ये देखो इसका मैं आपको वेट करके बताता हूँ, ये जो चैम्बर है इसका देखना ब्रास का, फुल ब्रास बॉडी का है, देखना इसमें कितना वजन है, आपको डिफरेंस आपको दिख ही जाएगा, देखना इसमें कितना वजन है। ये देखो नॉर्मली 3 किलो 649 ग्राम है इसमें, है ना, तो देखना बाकी नॉर्मली जो लोकल आता है उसका वजन देखना कितना डिफरेंस है इसमें। और ये देखो इसमें कितने सारे स्पेयर पार्ट्स आते हैं आपको दिख रहे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है ना, आपको आपको मैं उसमें डिफरेंट मतलब बताऊँ, उसके जो नॉर्मल वाला आता है उसमें क्या रहेगा देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें कितना सारा निकल रहा है आपको दिख रहा है ना इस मशीन के साथ, और ये देखो इसमें देखना क्या निकलता है, हाँ ये जो लोकल वाला है ये देखो इसका वजन भी कम रहेगा, देखो ये देखो ये 2 किलो 960 ग्राम है, देखना उसका 3 किलो से ऊपर था वो, है ना। और ये देखो इसके अंदर देखना ये जो स्पेयर पार्ट्स है देखना इसके अंदर कम रहेगा, वो मैकेनिज्म उसके अंदर का सिस्टम अलग है, नॉर्मल है वो, और बटल का जो होता है वो हैवी वाला आता है। ये देखो मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखो ये जो कनेक्टिंग रॉड है ना इसके साथ देखो पूरा ये है वो प्लंजर के साथ जॉइंट है, और ये देखो ये जो 3 पिस्टन जो है ये सिरामिक पिस्टन है वो, और देखना ये जो नॉर्मल जो मार्केट में आता है देखना इसका कैसा है, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ये देखो कनेक्टिंग रॉड इसका कैसा है, देखो ये अलग है ना, और ये देखो ये जो पिस्टन है इसका ये भी डिफरेंट है ना। तो नॉर्मली ये लोकल वाला ऐसा रहता है, और जो बटाली का रहता है वो जो वो सिरेमिक का रहता है वो। अब मैं आपको इसके टायर के बारे में बात करता हूँ, ये देखो ये जो आपको 2 टायर दिख रहा है देखना इसका वजन में कितना डिफरेंस है, देखना बहुत ज़्यादा हेवी है देखना, ये देखो ये 4 किलो 964 ग्राम है ना। अब देखना जो लोकल वाला आता है नॉर्मली हर कार बस जो कमर्शियल छोटा मोटा वाला जो आता है ऑरेंज नॉर्मल जो लोकल वाला है, ये देखो वो वाला 4 किलो था, ये 2.5 किलो है, तो इतना डिफरेंस आपको दिख रहा होगा है ना। और ये देखो नॉर्मली जो होस पाइप का देखना ये भी ऐसे रहेगा, डिफरेंस आएगा देखना कितना मोटा रहेगा वो देखना। ये देखो ये 17 mm का है, दिख रहा है आपको क्लियर, और इसमें डिफरेंस देखना बाद में।
ये देखो इसका देखना, ये सिर्फ देखो ये 16 mm का है, तो आपको डिफरेंस दिख रहा है ना। तो नॉर्मली जो आपने बटाली का लोग आपको ऐसा हैवी वाला ही मिलेंगे, हैवी ड्यूटी वाला। और ये देखो जो इनलेट जो पाइप है आपको ये दिख रहा है, ये देखो अंदर से जो है ना वो नॉर्मली ये है क्या वो, तो उसको तार दिया हुआ है। और ये जो नॉर्मल जो वाला रहता है उसमें वो तार नहीं होता, देखो स्टील का वायर रहता है अंदर से, है ना। तो ये आपको डिफरेंस मिलेंगे इसमें। अभी वीडियो को लंबा नहीं बनाऊंगा मैं, कार को अच्छे से कपड़ा मार दूंगा मैं, तो बाकी हम वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। बाकी आपको पता ना कि नॉर्मली अगर आपको मशीन खरीद चाहिए तो मैं देखो देखिए डिस्प्ले जो डिटेल मैं दिखा रहा हूँ आपको, अलग अलग शहर में अलग अलग डीलरशिप है, तो आपको अगर खरीदना है तो इस नंबर पर कॉल करो आप, बाद में आपको सीधा उस डीलरशिप का नंबर वगैरह डिटेल हर चीज़ मिल जाएंगे, आप सीधा बाद में वहाँ से मशीन को खरीद सकते हो। आपको ऑल ओवर इंडिया ये मशीन मिल जाएंगे, बस आपको इस नंबर पर कॉल करना है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।